पुरान जो करपी थाना में पड़ता है, और पुरान में एक डेयरी फार्मर हैं, इनका नाम है छोटे जी। सर आपको ये डेयरी फार्म करने का कब से मतलब इच्छा शक्ति कैसे जागा कि हमें ये फार्मिंग करना है? गाय को जानवर आता था शुरू से, इनके पास 46 जानवर है, जो कि एक अच्छा डेयरी फार्म के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना से तो बहुत अच्छे स्थिति में जा सकते हैं। इनके पास थोड़ा सा क्या है कि ये अपने दूध को जो है सुधा में देते हैं, और खुद ही जो है मार्केट अपना नहीं तैयार किया है, जिसके वजह से इनको दूध का रेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। क्या कहना चाहते हैं सर सुधा वाले को? क्या दूध है कि गाय का दूध पड़ता है 26 रुपये, 27 रुपये, 40 रुपये बिके तब फायदा होगा। इनको 27 रुपये ही रेट मिल पाता है। इनके पास जो अच्छी नस्ल में देसी गिर और साहिवाल का है, जो क्रॉस गाय है, देख सकते हैं अभी जो है हीफर है, ये रेडी नहीं हुआ है, और शायद ये गाय शायद रेडी है, दूध भी देती है। ये भी साहिवाल है, लेकिन इसको फ्रीजियन से एक बार क्रॉस करा दिया गया, इसका मदर उसका जो रिकॉर्ड होगा, और ये जो है जर्सी है। तो देख सकते हैं ये इनका बहुत बड़ा ही फार्म है, देखने से या दूर से कोई विश्वास नहीं था कि इनके पास इतनी जानवर होगी, और इनका मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। आने वाला समय में एक अच्छा मिड्यूल डेयरी फार्म भी निर्माण करेंगे समय के साथ, जैसा मांग होगा समय का वैसा ये अपने फॉर्म को मिड्यूल को नए सिरे से तैयार करेंगे आने वाले समय में। तो साहिवाल का अच्छा खासा मतलब इन्होंने वो तैयार किया है, और जर्सी है, एचएफ भी है, हर नस्ल की गाय इनके पास अवेलेबल है। सर कहना चाहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको इस बिजनेस को करने में, और भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई परेशानी? सर थनैला का परेशानी आता है, थनैला का परेशानी इनको आता है। और ये गायों के साथ काम करने से आपको क्या सहानुभूति मिलता है, मतलब अच्छा महसूस अच्छा होता है? दूध के रेट कम है, तो दूध का रेट थोड़ा कम है इसलिए परेशान है। तो मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना मार्केट तैयार करें, और अपना मार्केट आपको जो है कुछ मशीन लाने होंगे, और मैं उसके बारे में डिटेल से थोड़ा बात करेंगे, और उसका निदान हो जाएगा। हम लोग मिल करके अपना मार्केट तैयार कर देंगे। 2-3 फार्मर हैं और सब दोस्त हैं, और सब मिल करके अपना ही प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके और भेजेंगे। और बहुत अच्छा डेयरी फार्म इन्होंने अपना बनाया है, बहुत ही मेहनत किया है इन्होंने, और जिस तरह का इनका जो नस्ल है भैंस लगता है मुर्रा की है इनके पास। कितने भैंस है सर आपके पास? दो भैंस और दो बच्चा है इनके पास, और काफ़ी हमें नहीं लग रहा था हमारे आसपास में इतना बड़ा डेयरी फार्म हो सकता है। थोड़ा सा मुर्रा का गुण है, 100% तो नहीं है, देसी के साथ इसका लगता है वो हुआ है। तो आगे क्या सोच रहे हैं सर इसमें, क्या जैसे जो हार्डवर्क आपका ये बिजनेस होते जा रहा है, थोड़ा गाय ज़्यादा हैं बढ़ गए हैं, और इसमें जो मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्योंकि नया मॉड्यूल में है नहीं है फॉर्म, लेकिन गाय तो इतने अच्छे हैं और शानदार हैं, तो ये अब बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। इसमें बताइए सर पानी वाला सिस्टम क्या कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं, जो कुछ हार्डवर्क कम होगा? कर देंगे, समरसेबल बैठा लिए हैं? हाँ, ना समरसेबल बैठा देंगे, अभी मोटर लगा हुआ है। मोटर बोल रहे हैं लगा हुआ है, समरसेबल बैठा करके और टैंकी के द्वारा पाइपलाइन वो करके बॉल सिस्टम से ऑपरेट कर लेंगे। हाँ, वो भी कर देंगे। अच्छा, और ये तो गाय सर कहाँ से गाय लाए थे? ये तो 20 लीटर दूध देती होगी? नहीं, 28 लीटर दूध दिया है। ये सर बोल रहे हैं कि 28 लीटर दूध दिया है, लिया थे अकुरी से, अकुरी से लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार गाय है, 28 लीटर इसका मिल्क कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्रॉस ब्रीड की गाय भी इन्होंने रखी है, जो देसी से क्रॉस ब्रीड, संकर नस्ल इसको बोला जाता है, वो जो है काफ़ी ही बेहतर। ये देखिए साहिवाल का ज़बरदस्त नमूना, इतना शानदार थान, इतना शानदार कैपेसिटी की गाय है, और बहुत ही अच्छी है, और बहुत अच्छा इनका इंटरेस्ट होगा तभी इतनी बड़ी फॉर्म को इन्होंने मतलब हैंडल किए हैं। और काफ़ी ही मतलब लगता है कि इन्होंने इंटरेस्ट के साथ गायों को ढूंढा है। ये गाय की मिल्किंग कैपेसिटी 28 लीटर बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, ये गाय
थोड़ा सा आगे आके बताइए। एक महीना दे दीजिए। ई गाय बोल रहे हैं सर कि मतलब 22 लीटर दूध दी है एक दिन में, और वो गाय 28 वो 28 लीटर दूध दिया है जो ये हाथ रख के सर बता रहे हैं। बहुत ही देखिए मिल्क वैन पूरा निकला हुआ है, उभरा हुआ है। ज़्यादा दूध देने वाली भैंस का जो अडर होता है या थन जो होता है जो गाय का, वो उभरा हुआ रहता है। जो इसका देखिए बहुत ही मिल्क देने का कैपेसिटी है, इसके वजह से इसका थन के ऊपर जो नस देख सकते हैं, बहुत ही शानदार गाय है। और हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, आज जितना इनका मैनेजमेंट है हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा फार्मर नहीं है जो इतने गायों के साथ फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इतने एक्टिव नहीं है। और ये एक मतलब समझिए कि डूबते हुए सूरज में किरण दिखाई देने वाले फार्मर हैं। हमारा अरवल में तो बहुत लोगों का सोच अभी पिछड़ा हुआ है फार्मिंग से रिलेटेड। क्या कहना चाहते हैं सर सबको? बढ़ाएंगे, ये और बढ़ाएंगे, और लोगों को भी इसमें क्या आगे आना चाहिए इन क्षेत्रों में। बहुत सारे युवा हैं जो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके वो अच्छा खासा अपना वो कर सकते हैं। ये एक गाय है, ये कहाँ से लाए थे सर? ये तो बगले से लाए थे, इन्हीं पे देती है 18 लीटर दूध। ये भी 18 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी है, थोड़ा शरीर का बनावट छोटा है। हाँ, ये और ये भी बहुत ही अच्छी सुंदर गायें हैं इनके पास, और शानदार गायें हैं, कलेक्शन किया है इन्होंने, और इसके वजह से इनका जो फॉर्म है काफ़ी अच्छे स्थिति में। ये जो टैगिंग करवाए हैं ये क्या इंश्योरेंस का है या सीमे थी जो वैक्सीन कराए हैं? कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराए हैं? यूनाइटेड से। एक इंश्योरेंस में कितना मतलब पैसा लगता है एक गाय का सालाना? 3500 रुपया सालाना देना रहता है। अगर गाय का डेट हो गया तो, या थनैला रोग में, तो पैसा कैसे क्लेम होता है? नहीं, गाय डेट कर गया तब 55,000 मिलेगा। अगर डेट हो गया तो क्लेम का प्रोसीजर क्या है, कुछ पता है? डेट सर्टिफिकेट जो वेटनरी ब्लॉक से ना, वही वेटनरी डॉक्टर। तो डॉक्टर प्राइवेट की सरकारी? सरकारी। तो सरकारी डॉक्टर इधर हैं? नंबर उम्बर रखे हैं? चलिए दे दीजिएगा कि लोगों को भलाई होगा। और बहुत अच्छा आपसे मिल करके, और आपकी खासियत और आपके सोच को मतलब एक तरह से सलाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को नज़रिया जो है बदलने में बहुत ही सार्थक एक रास्ता चुने हैं। तो थोड़ा सा ये आउट में या साइड में होने से लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा शानदार। ये इनका बाहर का डेयरी फॉर्म है, और ये दो इधर जर्सी और एचएफ का जो नस्ल है, बैठने दीजिए। और इनका कहनाम है कि ये थोड़ा सा फॉर्म जो है थोड़ा सा इन्होंने डेवलप किया है, सुंदर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करने से बहुत ही, ये देखिए ये जो भैंस है, ये भैंस जाफराबादी का अंश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको आँखों के पास और उभराव होता है, आँख के पास पूरा मतलब ढका होता है, थोड़ा इसका सर इसका डबल होता है, लेकिन हाँ कन्वर्टेड है, लमसम 35% कन्वर्टेड भैंस दिखा रहा है जो एचएफ जो जाफराबादी नस्ल से क्रॉस किया गया है। तो शायद सीमेन का इस्तेमाल किए थे का सर? सीमेन दिया थे जाफराबादी का। तो इसका परिणाम तो कुछ अंश तक दिखाई दे रहा है। तो जाफराबादी का अगर जो प्योर होता है उसका जो फैट होता है वो 9.0 से शुरू होता है, 9 से 13.0 होता है। उसका जो दूध है वो 100 रुपये लीटर से 80 रुपये लीटर से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि फैट का प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा होता है, और डेयरी फॉर्म में फैट आपका 10.0 से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है सर। तो जो 13.0 भैंस का जो फैट होगा, आने वाला समय में जाफराबादी को ही नस्ल को और इम्प्रूव करिए। हाँ, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, धन्यवाद।